हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, पार्ट 10 में मैंने आपको कम्युनिटी कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड डिनोमिनेटर के बारे में बताया था बच्चों। आशा करता हूँ बहुत आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों नया टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर पार्ट 11 में। तो सबसे पहले देखें बच्चों, यदि आपसे आर्मेचर प्रतिक्रिया की बात करते हैं बच्चों, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया है क्या? तो आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। अगर अपन सिंपल सी भाषा में बात करें बच्चों, यानी आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव हो बच्चों, वो आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आज अपन इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखें बच्चों, मैंने एक डायग्राम बना रखा है बच्चों। देखें, इस केस में मैंने आर्मेचर चालकों में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं करके बच्चों। अब आप देखें बच्चों, मैंने इसमें क्या बच्चों, फील्ड वाइंडिंग में जो धारा दिशा इस प्रकार की है कि यहाँ आपका एन पोल का निर्माण हुआ, यहाँ अपने पास क्या बच्चों, एस पोल का निर्माण हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स आपका एन पोल से कहाँ जाता है बच्चों, एस पोल की ओर जाता है बच्चों। तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा है बच्चों, वो एन से अपने पास क्या होगी बच्चों, एस की ओर होगी। अब देखें बच्चों, अपने पास देखें, अगर मैंने आपको बताया था बच्चों, जब अपने मैग्नेट पढ़े थे बच्चों, जो आपके चुंबकीय ध्रुवों को मिलाता है बच्चों, वो अक्ष कहलाते हैं चुंबकीय अक्ष, ठीक है बच्चों। और दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों कि यदि अपन एक अगबा जो चुंबक है बच्चों, उसको दो समान भागों में बांट दें और इसके बीच में से अगर अपन एक अक्ष खींचे, तो वो आपका कहलाता है बच्चों चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, MNA, ठीक है बच्चों। आज अपन बात करेंगे बच्चों GNA के बारे में, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये अपने पास क्या बच्चों, देखें अपने पास देखें बच्चों, GNA की अगर बात करें, अगर अपन कोई भी देखें बच्चों वर्ताकार भाग लें, अब देखिए बच्चों वर्ताकार भाग होगा बच्चों, तो उसका केंद्र बिंदु आपके पास एक होगा बच्चों, कहीं पे भी। अब ये बात है बच्चों, अगर आपको इसको केंद्र बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं बच्चों, तो ये आपको होगा बच्चों ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी ज्योमेट्री के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास होगा बच्चों ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसका यानी केंद्र बिंदु से जो निकलेगा वो। अब आपका देखिए बच्चों, GNA कभी भी आपका परिवर्तित नहीं होगा, GNA आपका जहाँ है बच्चों वहीं रहेगा, यानी GNA आपका हमेशा केंद्र से ही निकलेगा बच्चों। तो अपने पास देखें बच्चों, GNA MNA के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आपके जो ब्रशज हैं वो हमेशा कार कहते हैं बच्चों MNA पे रखे रहते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष पे आपके रखे जाएंगे। होता क्या है बच्चों कि आपके GNA और MNA दोनों एक साथ एक ही पास, यानी एक पर एक, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, यानी कोइंसाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। यानी आपकी जो मशीन होगी बच्चों, उसमें आपका जो चुंबकीय उदासीन अक्ष और GNA एक दूसरे क्या रहेंगे बच्चों, ऊपर है। ये आपका अगर GNA बच्चों, तो ये इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, MNA होगा, यानी कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके अगर आपसे ब्रशेज के बारे में पूछा जाता है तो डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में या डीसी मशीन में आपके जो ब्रशेज हैं बच्चों, वो हमेशा कार्य के जाएंगे बच्चों MNA पे, चुंबकीय उदासीन अक्ष पे, क्योंकि चुंबकीय उदासीन अक्ष पे बच्चों किसी भी कोई चालक नहीं होता है बच्चों। जब चालक नहीं होता है तो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर ब्रशेज के नीचे स्पार्किंग नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो अपन बात करें बच्चों, देखें केस फर्स्ट मैंने बनाया बच्चों, देखें फर्स्ट केस में मैंने जो डायग्राम दिखाया बच्चों, देखें यदि मेरे पास फील्ड वाइंडिंग में चालकों की प्रवाहित धारा देखें बच्चों, इस प्रकार है बच्चों, देखें ये डॉट धारा की दिशा को बता रहे बच्चों। तो अब अंगूठा आपका एन पोल को बताएगा, तो ये मेरा एन पोल को बता रहा है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स आपका एन पोल से चलेगा, कहाँ पहुँचेगा बच्चों, एस पोल से, ठीक है बच्चों। तो इस केस में देखें बच्चों, जितना भी आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा, जब आपके पास किसी भी प्रकार की आर्मेचर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो यानी आपके पास जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही बच्चों, तो आपका आर्मेचर फ्लक्स का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। तो इस स्थिति में अपने पास के जितना भी फ्लक्स पैदा होगा जो देखें एन से आपका एस पोल से तक सीधा सीधा पहुंच जाएगा, यानी कोई भी आर्मेचर फ्लक्स इसको विक्षेपित नहीं करेगा। तो जितना आपका एन से फ्लक्स होगा जो सीधा सीधा आपका एस पोल तक पहुंच जाएगा, ये देखें बच्चों, टोटल फ्लक्स आपका आर्मेचर से होता हुआ एन से एस पोल की ओर पहुंचेगा, और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये होगी बच्चों इस साइड में, ये आपकी चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी बच्चों, दिशा होगी। तो केस फर्स्ट के बारे में बच्चों बात करूं, फर्स्ट कंडीशन के बात के बारे में बात करूं बच्चों, देखें तो केस फर्स्ट अपने पास क्या लिया बच्चों, देखें केस फर्स्ट, जब आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान शून्य हो, प्रवाहित धारा का मान शून्य हो,
का मान शून्य हो। ये अपने केस फर्स्ट मान लो। अब देखिए बच्चों, जो टोटल फ्लक्स आपका गया मैंने इसका नाम रख दिया बच्चों फाई एफ। फ्लक्स को अपने दिखाते हैं फाई से और फील्ड फ्लक्स से इसलिए मैंने क्या लिख दिया बच्चों फाई एफ। इस केस में आप बस आर्मेचर फ्लक्स हमारे पास कितना बच्चों जीरो। ठीक है बच्चों, तो केस फर्स्ट में जब अपन की बात करें, जब आर्मेचर में प्रवाही धारा का मान क्या हो बच्चों शून्य हो। जब आर्मेचर में प्रवाही धारा का मान शून्य होगा तो आपका एन पोल से एस पोल तक जो फ्लक्स है बच्चों बिना विक्षेपित हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंचेगा। डीसी मशीन में आर्मेचर धारा का मान शून्य होने पर मुख्य फ्लक्स बिना विक्षेपित हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, बिना विक्षेपित तो आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक पहुंचता है। अब अपने पास देखें बच्चों मशीन में, बच्चों देखें जब भी अपन बात करते हैं बच्चों, ये जो आपका एमएनए है और ये आपका फील्ड फ्लक्स है, इसके बीच में जो कला कोण होता है बच्चों वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास कला कोण 90 डिग्री बच्चों, तो अधिकतम वोल्टेज आपके पास पैदा होती है साइन थीटा, आपने बताया 90 डिग्री पे। तो बच्चों देखिए, चुंबकीय फ्लक्स और एमएनए के बीच में आपका अधिकतम जो कोण होना चाहिए बच्चों, वो अपने पास क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने पास देखें बच्चों, यहाँ फील्ड फ्लक्स की अगर अपना ये दिशा मानते हैं बच्चों, देखिए ये आपका फाई एफ हो गया बच्चों और ये आपका क्या होगा बच्चों, एमएनए हो गया। तो इस केस में बच्चों आपके पास कोण जो बन रहा है बच्चों इन दोनों के बीच में, वो बन रहा है बच्चों 90 डिग्री। यानी ये कोण हमेशा अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों यहां पे देखें, डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी एमएनए वे मुख्य फ्लक्स के बीच कला कोण 90 डिग्री होना चाहिए दूसरी बात अपने पास देखिए बच्चों, दूसरी कंडीशन में पास क्या कि बच्चों आपके जो ब्रशेज होंगे वो हमेशा कहाँ रखे जाएंगे बच्चों, एमएनए पे रखे जाएंगे चुंबकीय उदासीन, ताकि आपके पास क्या बच्चों स्पार्किंग न हो। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं आपको नोट करवाता जा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट अपने पास चुंबकीय उदासीन अक्ष है, मुख्य फ्लक्स के बीच कला कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड में यहां से बता रहा हूं बच्चों आपको, देखें डीसी मशीन में, मशीन में बच्चों मोटर और जनरेटर अपन दोनों की बात करें, डीसी मशीन में ब्रश हमेशा चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखे जाते हैं, जिसके कारण ब्रशेज पर स्पार्किंग नहीं होती है ठीक बच्चों। और अगर आपके पास आदर्श कंडीशन है बच्चों, तो आदर्श कंडीशन में जीएनए और एमएनए के बीच जो कला कोण होता है बच्चों, वो अपने पास क्या होता है, जीरो डिग्री, यानी कोइंसाइड करते हैं दोनों एक दूसरे, क्या रहते हैं बच्चों, ऊपर रहते हैं। डीसी मशीन में जीएनए तथा एमएनए हमेशा
कोइंसाइड यानी एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समांतर का मैंने बताया बच्चों, देखें कि अगर आपका यहां MNA बच्चों, तो इस MNA के ऊपर आपका ये JNA के ऊपर आपके पास क्या होगा बच्चों, MNA होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे बच्चों, तो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे से क्या रहेंगे बच्चों, समांतर रहेंगे। तो केस फर्स्ट के बारे में देख ले बच्चों, एक बार अच्छे से पढ़ लें इसके बारे में। केस फर्स्ट अपने क्या माना है, जब आर्मेचर में प्रवाही धारा का मान पास क्या बच्चों, शून्य है, या आपके पास नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन में आर्मेचर धारा का मान अपने पास क्या बच्चों, मिनिमम होगा। अब आप देखिए बच्चों, इस केस में आपका ये मैंने फील्ड वाइंडिंग में धारा दिशा इस प्रकार के बच्चों, ऊपर के चालकों में डॉट तो बाहर की ओर आ रही बच्चों, नीचे के चालकों में क्रॉस तो धारा अंदर की ओर जा रही, तो यहाँ एल पोल का निर्माण हुआ, यहाँ अपने पास एस पोल का चुंबकीय फ्लक्स आपका एन पोल से जाया जाएगा एस पोल की तरफ। अब देखिए बच्चों, शून्य बार या आर्मेचर धारा शून्य होने पर आपके पास आर्मेचर में किसी प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, तो टोटल फ्लक्स आपका बिना विक्षेपित हुए एन से एस की ओर पहुंचेगा। अब टोटल फ्लक्स को मैंने नाम लग दिया बच्चों फाई एफ फील्ड फ्लक्स, ये मैंने लगाया बच्चों MNA, और MNA और JNA कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे क्या रहेंगे बच्चों, समांतर में रहेंगे। ब्रशेज हमेशा आपके रखे जाएंगे MNA। तो अपने तीन कंडीशन पड़ी बच्चों, देखें फर्स्ट कंडीशन में आपका चुंबकीय फ्लक्स बिना विक्षेपित हुआ पहुंचा दक्षिण ध्रुव तक, डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष और मुख्य फ्लक्स के बीच कोण हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 90 डिग्री रहेगा। अब आप देखें बच्चों, यहाँ से आपके पास जो कला कोण आपको इसके बीच में एंगल जो प्राप्त हो रहा है बच्चों, वो प्राप्त हो रहा है बच्चों 90 डिग्री, ठीक बच्चों। तो ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री रहना चाहिए बच्चों। दूसरा अपने कहा ब्रशेज हमेशा रखे जाएंगे बच्चों आपके MNA पर, जिसके कारण ब्रशेज पर स्पार्किंग नहीं होती है। तीसरा अपने बात की बच्चों कि JNA तथा हमेशा हमेशा MNA हमेशा कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे क्या रहते हैं बच्चों, समानांतर होते हैं। तो यहां तक नोट कर लिया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब बात करेंगे बच्चों, देखें जब आपके आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा वो किस प्रकार आपका पैदा होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, आप अच्छे से समझ सकते हैं इस टॉपिक को, और समझ के ही आप इसे कर सकते हैं बच्चों, रट्टा आपका इसमें कोई काम नहीं करेगा। और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों यहां से। जितने मैंने आपको चुंबक में नियम बताए बच्चों, वो सारे यहां काम करते हैं। अब देखिए बच्चों, केस सेकंड की अगर अपन बात करेंगे, यानी आपके पास आर्मेचर में केवल अगर अपन धारा प्रवाहित करें, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग थी बच्चों। इस बार मैं फील्ड वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहा हूं बच्चों, केवल अपन आर्मेचर में धारा प्रवाहित करेंगे। मैंने धारा नहीं प्रदर्शित किया बच्चों, देखिए इसमें ये आपका MNA हो जाएगा बच्चों, और इसके नीचे आपका होगा JNA MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इस बार देखें बच्चों, अगर अपन आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं, ये मैंने आर्मेचर चालक रखे हैं बच्चों परिधि पर इसके आर्मेचर की, जितने आप इस सिरे पर रखेंगे उतने आप उस सिरे के बच्चों, एक चालक के दो कॉइल के दो भाग में बच्चों आपके पास, जिसे अपन कॉइल बोलेंगे, ठीक बच्चों। अब इस केस में देखिए बच्चों, मैं आर्मेचर में धारा प्रवाहित कर रहा हूं बच्चों, तो इन चालकों में जो धारा प्रवाहित करूं बच्चों, देखिए इस प्रकार है, यहां क्रॉस लिखे बच्चों, ये क्रॉस है बच्चों। अगर इस साइड से धारा आपके अंदर की ओर गई तो यहां बाहर की ओर, तो यहां अपने पास डॉट बनेगा बच्चों, देखिए। तो केस सेकंड बच्चों अपने दिया है, जब आर्मेचर में केवल आपके आर्मेचर में धारा प्रवाहित हो रही है, केस सेकंड देखिए बच्चों, केस सेकंड जब केवल आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है, केवल आर्मेचर में
धारा प्रवाहित हो रही हो रही हो। अब देखिए बच्चों, हमने मैग्नेट में पढ़ा था बच्चों कोरस्क्रू नियम। कोरस्क्रू नियम में मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि आपके पास चालक में धारा की दिशा आपके पास अंदर की ओर, देखो बच्चों अपन क्रॉस करें, क्रॉस का मतलब मैंने कहा था कि क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज रखेंगे बच्चों। अगर धारा की दिशा अंदर की ओर है तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों उसकी दिशा आपके पास दक्षिणावर्त होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों देखें, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा बच्चों उसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी या घड़ी की दिशा में बच्चों। इन चालकों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्लॉकवाइज होगी। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों इस साइड अगर आपके पास क्लॉकवाइज है, अगर अपन डॉट करते हैं बच्चों तो कोर्सकू में मैंने बताया था अगर आपको पेज को अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे बच्चों तो ये बाहर क्यों रहेगा बच्चों, तो यहां आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी बच्चों। ये इस प्रकार होगा बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, ये जो आपके पास चालक है बच्चों टोटल आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा नीचे की ओर है, इधर भी आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या बच्चों नीचे, यानी जो आपके पास कुल आर्मेचर फ्लक्स होगा बच्चों फाई ए उसकी दिशा अपने पास क्या होगी बच्चों नीचे की ओर होगी। कुल फ्लक्स होगा जो आर्मेचर फ्लक्स होगा बच्चों उसकी दिशा अपने पास क्या होगी बच्चों नीचे की ओर होगी। ठीक बच्चों, अगर आपके पास इस सिरे पर यानी ये अपने एन पोल माना था बच्चों, एन पोल के नीचे के चालकों में धारा की दिशा अंदर की ओर और एस पोल के चालकों नीचे बाहर की ओर है। तो देखिए बच्चों जब केवल आर्मेचर में धारा प्रवाहित हो रही तो अपन किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, देखें आर्मेचर कोइल, आर्मेचर कोइल जिनमें धारा की दिशा अंदर की ओर है इनके चारों ओर के चारों ओर उत्पन्न, ये आर्मेचर कोइल बच्चों देखें जिनके धारा दिशा है आर्मेचर चालक जिनमें धारा दिशा अंदर की ओर है, चारों उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगी। ठीक बच्चों, फर्स्ट में देखें बच्चों अगर आपके पास इस कोयल में इस सिरे में आपके पास धारा की दिशा अंदर की ओर है बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या बच्चों क्लॉकवाइज, और कोयल के इस सिरे पर देखें बच्चों चालक में प्रवाहित धारा दिशा एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास बाहर की ओर है बच्चों तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या बच्चों वामावर्त होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तथा कोयल के दूसरे सिरे पर जहां धारा की दिशा बाहर की ओर है के चारों ओर और उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होगा, वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और कुल चुंबकीय क्षेत्र आपको तो अपने पास क्या होगा नीचे की ओर होगा, जो आपके पास कुल आपके पास आर्मेचर फ्लक्स होगा वो आपके पास क्या होगा जो नीचे की ओर होगा। तो ये आपका आर्मेचर फ्लक्स बच्चों इस प्रकार होगा फाई ए
और ये अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय अक्ष, और इसके ऊपर अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय उदासीन अक्ष। तो आर्मेचर फ्लक्स आपका चुंबकीय अक्ष से 90 डिग्री पे है बच्चों, देखें तो इस प्रकार है आपका होगा। अब देखिए बच्चों अपन ना तो मशीन को इस प्रकार चला सकते हैं केवल फील्ड वाइंडिंग में धारा दें या केवल अपन आर्मेचर वाइंडिंग। जब अपन कंडीशन फुल लोड पे बाहर की बात करें बच्चों, जब फुल लोड पे मशीन को चलाएंगे तो आपके आर्मेचर में भी धारा प्रवाहित होगी और फील्ड वाइंडिंग में भी आपको धारा प्रवाहित होगी। तो उस केस में आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी वो अपन बात करें बच्चों अभी। देखिए इसको नोट कर लें बच्चों, कॉर्कस्क्रू नियम से मैंने बताया बच्चों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्माण मैंने किया है कॉर्कस्क्रू नियम से। अब हम बात करें बच्चों केस थर्ड, जब आपकी मशीन पूर्ण भार पर काम कर रही है, जब आपकी मशीन पूर्ण भार पर काम करेगी बच्चों तो आर्मेचर में भी पूर्ण धारा प्रवाहित होगी, वार धारा प्रवाहित होगी और क्षेत्र कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी। केस थर्ड की बात करें बच्चों, केस थर्ड, जब डीसी मशीन पूर्ण भार पर कार्य कर रही है पर कार्य कर रही है अगर ये डॉट है इस प्रकार तो बच्चों आपके पास यहाँ एन पोल होगा, तो ये आपके पास एन पोल हो गया बच्चों, यहाँ भी आपको डॉट बनाने बच्चों इस प्रकार धारा दिशा बाहर की ओर, और अगर आप यहाँ अंदर की ओर बनाते हैं बच्चों तो एक सिरा आपके पास एन पोल होगा बच्चों, ये आपका सिरा उनके पास क्या हो जाएगा बच्चों एस पोल होगा। ठीक है बच्चों, दाएँ हाथ की हथेली के नियम से बच्चों देखें, अगर आपके पास डॉट आ रहा है बच्चों तो ये धारा आपकी दिशा इस प्रकार होगी बच्चों, और धारा दिशा में रखें बच्चों देखें तो उंगलियां धारा दिशा में, तो अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा आपको एन पोल को, तो ये आपका एन पोल होगा बच्चों, इधर वाला अपने पास क्या होगा बच्चों एस पोल होगा। अब देखें बच्चों जब पूर्ण भार पे काम करेगी बच्चों मशीन तो आपके आर्मेचर चालकों में भी धारा प्रवाहित होगी और क्षेत्र कुंडली में भी आपके पास धारा प्रवाहित होगी। तो मैं आर्मेचर चालक बना रहा हूँ बच्चों, देखें यहाँ पे बच्चों, अब आर्मेचर चालकों में देखिए बच्चों धारा की दिशा एन पोल के नीचे के चालकों में धारा दिशा मैंने मानी बच्चों अंदर की ओर, तो यहां मैंने बनाया बच्चों क्रॉस, और इस साइड मैंने बच्चों मानी बाहर की ओर, तो मैंने बनाया बच्चों डॉट। चुंबकीय फ्लक्स मैंने अभी बताया था बच्चों आपको, इन चालकों पर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपकी होगी क्लॉकवाइज और यहां पर अपने पास होगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने पास तो बच्चों था, ये आपके पास जो अक्ष था वो अपने पास चुंबकीय अक्ष है बच्चों, ये अपने पास बच्चों अपने पास है MNE जिसपे आपके ब्रश रखे गए हैं बच्चों, तो ये आपका MNE बच्चों, और MNE के साथ यही आपका बच्चों अपने पास है GNE ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये अपने पास हो गया बच्चों चुंबकीय अक्ष। अब देखिए बच्चों जब आपकी मशीन पूर्ण भार पे काम करेगी बच्चों देखें, तो उस केस में अपने पास क्या हो बच्चों, आपके पास यहां से आपके पास एन पोल से फ्लक्स चलेगा और कहां पहुंचना बच्चों इसको एस पोल पे। अब देखिए बच्चों यहां इस केस में आपके पास इन आर्मेचर चालकों पे चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, अब ये चुंबकीय फ्लक्स देखें बच्चों किस प्रकार है, ये चुंबकीय फ्लक्स आपका इस प्रकार बच्चों देखें, इस प्रकार बच्चों देखें घड़ी की दिशा में, इस चालक पे भी जो चुंबकीय फ्लक्स है वो देखें बच्चों किस प्रकार बच्चों
घड़ी की दिशा में। ये ब्रह्मास्त्र क्या बच्चों किस प्रकार है? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। इस चालक में भी चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, घड़ी की दिशा में। इस चालक में भी चुंबकीय फ्लक्स है, घड़ी की दिशा में। यानी एन पोल के नीचे के जो आर्मेचर चालक है बच्चों, उनमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज है, क्योंकि धारक दिशा अंदर की ओर बच्चों। और इस साइड में जो चालक है बच्चों, उनमें चुंबकीय फ्लक्स आपका इस प्रकार होगा बच्चों, इसके विपरीत। मैंने विपरीत बनाया बच्चों, देखें एंटी क्लॉकवाइज बनाया बच्चों इन चालकों में। कई सेकंड में अपने इसके बारे में पढ़ा था बच्चों, देखें। और सिंपल कॉर्कस्क्रू नियम से आप लगा सकते हैं बच्चों। अब अपने पास ये स्थिति है बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, आपसे चुंबकीय फ्लक्स है, मैंने एन पोल को यहां दूर बनाया बच्चों, इस एस को मैं थोड़ा दूर कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अपन को चुंबकीय फ्लक्स की लाइनें दिखानी है बच्चों यहां से। अब आपका देखें बच्चों, इस केस में अब आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका एन पोल से स्टार्ट होगा बच्चों। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स की लाइनें हैं, वो आपके एन पोल से स्टार्ट होगा बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, अगर मैं कहूँ चुंबकीय फ्लक्स आपका एन पोल से स्टार्ट होगा बच्चों, यहाँ तक उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ आएगा बच्चों, देखें ये चुंबकीय फ्लक्स इसको ऊपर की ओर ले जाएगा बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स इसकी दिशा में बच्चों, तो ये ऊपर की ओर लेके जाएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इसको नीचे की ओर लेके जाएगा। तो बच्चों देखें, ये जो चुंबकीय फ्लक्स के कारण ये आपका मुख्य फ्लक्स इस फ्लक्स के साथ आएगा बच्चों, देखें। जो चुंबकीय बल हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है बच्चों, और इसके कारण ये जाएगा बच्चों ऊपर की ओर, यहाँ जाएगा बच्चों नीचे की ओर। अब देखें बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स आपका इस प्रकार हो जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा बच्चों नीचे की ओर, और वापस अपने पास जाएगा बच्चों ऊपर की। अब देखें बच्चों, जो फ्लक्स आपका एकदम सीधा जा रहा था बच्चों, वो इस आर्मेचर चालकों के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स हुआ, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, उसके कारण क्या हुआ बच्चों, विक्षेपित हो गया। ये देखें बच्चों, इन आर्मेचर चालकों के फ्लक्स के कारण अपने पास क्या हुआ बच्चों, ये विक्षेपित हो गया। अब जब चुंबकीय फ्लक्स का आपका विक्षेपण होता है, जो विक्षेपित होना या टेढ़ा होना होता है, इसे अपन बोलते हैं बच्चों चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया के बच्चों दो प्रभाव हैं, एक चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव जिसे आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं बच्चों विचुंबकन प्रभाव। तो आपका आर्मेचर फ्लक्स के बच्चों, आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स का क्या हो गया बच्चों, विक्षेपित हो गया। और ये विक्षेपण, ये आपका जो चुंबकीय फ्लक्स का जो विक्षेपित होना है बच्चों, ये कहलाता है चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव। तो बात करें बच्चों, जब मशीन आपकी डीसी मशीन पूर्ण भार पे काम करें बच्चों, मैंने इस केस में बच्चों जनरेटर से स्टार्ट करूं बच्चों मैं, तो घूर्णन दिशा आपके पास इस प्रकार ही है, ये जनरेटर है बच्चों, ठीक बच्चों। तो अपने मशीन में इसको जनरेटर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बच्चों, और मोटर में पढ़ेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा बच्चों, देखें, ठीक बच्चों। तो आर्मेचर फ्लक्स के कारण चित्र में दिखाए अनुसार में दिखाए अनुसार आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित का मतलब बच्चों टेढ़ा मेढ़ा होना, विक्षेपित, तो मैं लिख देता हूं बच्चों टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया का, इसे आर्मेचर प्रतिक्रिया का चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव, प्रभाव कहते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बच्चों, देखिए ये आर्मेचर फ्लक्स, ये जो आप देखो बच्चों, ये जो आपके पास, एक तो आपके पास घड़ी की दिशा बच्चों, ये तो आपके पास इसकी दिशा में, और ये वाला फ्लक्स बच्चों मेन फ्लक्स का विरोध भी करता है। अब जिसके कारण मेन फ्लक्स का जो विरोध करेगा बच्चों, ये सिरा तो आपका सपोर्ट करेगा बच्चों ये दिशा में, और ये जो ये भाग है बच्चों, ये इसका क्या करेगा बच्चों, विरोध करेगा, तो उसके कारण आपका मुख्य फ्लक्स घटता भी है। जब आपका मुख्य फ्लक्स घटता है बच्चों आर्मेचर चालकों के कारण,
तो मुख्य फलक सामग्री इसे बोलते हैं बच्चों वी चुंबकन प्रभाव, डीमैग्नेटाइज इफेक्ट। ये अपन इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखें अब आप देखिए बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो आपका ये जो फ्लक्स है बच्चों वो किस प्रकार हो जाएगा बच्चों सारा, उसके बारे में देखें बच्चों। पहले मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपका विक्षेपित होगा। देखें ये आपका एन पोल से चलेगा बच्चों, ये इसकी दिशा में जाएगा तो ऊपर की ओर, फिर ये इसके नीचे की ओर जाएगा बच्चों, ये इसके नीचे की ओर, फिर आपका वापस ऊपर की ओर जाएगा बच्चों। तो आपका मेन फ्लक्स आपका क्या हो बच्चों, विक्षेपित हो गया। और मुख्य फ्लक्स का विक्षेपित होना क्या कहलाएगा बच्चों, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों क्रॉस मैग्नेट। अब देखिए बच्चों, अब आपका जो पूरा आर्मेचर में जो फ्लक्स होगा बच्चों, जो मेन फ्लक्स होगा वो किस प्रकार होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों इसको, तो अब देखिए बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो आपका फ्लक्स किस प्रकार, आपका फ्लक्स मुख्य फ्लक्स किस प्रकार पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए मुश्किल टॉपिक है बच्चों, पर आप अगर समझेंगे बच्चों तो आप आसानी से कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों। वीडियो को अच्छे से देखें और कोशिश करें इसको समझने की बच्चों। ये आपका एन पोल है अपने पास, क्या बच्चों एस पोल डॉट, और यहां अपने पास क्या था बच्चों क्रॉस, ताकि आपके पास क्या यहां पर एन पोल बने और यहां अपने पास एस पोल। तो अपन चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के बारे में बात करने चाह रहे हैं बच्चों, क्या क्या उसके कारण प्रभाव होंगे अपने पास यहां, और ये अपने पास जो अक्ष था बच्चों वो अपने पास है बच्चों एम एन, और इसी के साथ आपका बैठा है बच्चों जी एन, ये आपका जी एन। ये अपने आज आर्मेचर चालक बनाई, इन आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा आपका दी बच्चों अंदर की ओर, तो मैंने क्रॉस से दिखाया बच्चों इनको, वो यहां अपने पास थी बच्चों बाहर की ओर, तो मैंने इसको डॉट से प्रदर्शित किया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, यहां पे आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा थी क्लॉक वाइज, यहां पास क्या थी बच्चों क्लॉक वाइज। अब देखें बच्चों, अब आपका जो पूरा फ्लक्स आएगा बच्चों वो किस प्रकार आपका दिखेगा। देखें बच्चों यहाँ से जैसे आपका फ्लक्स चलेगा बच्चों, देखें ये टोटल फ्लक्स की लाइनें आपकी चलेंगी बच्चों, देखें देखें बच्चों, जैसे आपका फ्लक्स यहाँ जाएगा बच्चों तो आपका फ्लक्स ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है बच्चों, यहाँ आपके पास नीचे की ओर बच्चों, ये इस प्रकार होगा बच्चों। फिर ये आपका फ्लक्स चलेगा बच्चों, ये टोटल फ्लक्स आपका इस प्रकार हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, यानी अब आपका जो कुल फ्लक्स होगा बच्चों, जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो आपका आर्मेचर से इस प्रकार होकर जाएगा, ना कि सीधा जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, आपको एक सिरा देखिए बच्चों, यहाँ अगर अपन बात करेंगे, मैंने कहा था कि अपन इसको जनित्र की तरह लेने बच्चों, तो घूर्णन दिशा आपके पास क्लॉकवाइज होगी बच्चों। देखिए वो जनित्र में आपके पास घूर्णन दिशा मैंने बताया था हमेशा बच्चों, अपन क्या रखें क्लॉकवाइज रखें। अब आप देखिए बच्चों, ये अपने पास पोल सिरा, जब अपन इस आर्मेचर को घुमाएंगे बच्चों क्लॉकवाइज, तो यह पोल सिरा सबसे पहले आएगा, तो इसे अपन बोलेंगे बच्चों अग्रगामी पोल सिरा लीडिंग पोल टिप, LPT बोलेंगे बच्चों इसको, LPT लेडी हो, और ये सिरा आपके पास बाद आएगा बच्चों, तो इसे बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप, TPT पश्चगामी पोल सिरा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, ये आपके पास अग्रगामी पोल सिरा जो LPT, और ये अपने पास क्या बच्चों TPT। अब आप देखिए बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी तो आपका जो
मुख्य फलक से बचो, ये आपका जो मुख्य फलक है वो आपका पूरे जो पोल सिरे हैं बच्चों उन पे समान रूप से आपका विभाजित नहीं होगा या फैलेगा नहीं बच्चों, यूनिफॉर्म में नहीं फैलना बच्चों आपके पास। अब देखिए बच्चों इस सिरे पे तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कम है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होगा बच्चों ज्यादा हो गया। इसी प्रकार देखिए बच्चों इस सिरे पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ज्यादा हो गया और यहाँ अपने पास क्या हो बच्चों कम हो गया, यानी आपका जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बच्चों उसका जो जो फैलाव कर रहा है बच्चों वो समान तरीके से नहीं फैल पाता है। तो अपन बात करें बच्चों कि अब चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण बस क्या क्या दोष उत्पन्न होने जा रहे हैं बच्चों। तो पहला प्रभाव अपन पढ़ रहे हैं बच्चों कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो आपका यूनिफॉर्मली विभाजित नहीं होगा। तो पहला अपन बात करें बच्चों चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण उत्पन्न दोष, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण उत्पन्न दोष, उत्पन्न दोष। तो पहला प्रभाव तो अपने पास क्या है बच्चों कि आपका जो ये मुख्य फ्लक्स है वो अपने पास क्या है जो विक्षेपित हो गया या टेढ़ा मेढ़ा हो गया बच्चों। तो पहला प्रभाव अपने पास क्या है बच्चों मुख्य फ्लक्स विक्षेपित हो जाता है, मुख्य फ्लक्स विक्षेपित हो जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब दूसरा प्रभाव अपने पास क्या है बच्चों देखें कि अगर अपन बात करें बच्चों ये जनित्र की बात करूं मैं, जनरेटर की बात करूं बच्चों, जनित्र आपके पास घूर्णन दिशा अगर क्या बच्चों क्लॉकवाइज है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों जनरेटर की तो ये आपके पास क्या घूर्णन दिशा क्लॉकवाइज होगा, अगर अपन ये मोटर लेंगे बच्चों तो घूर्णन दिशा आपके इससे विपरीत हो जाए। और जनरेटर में अपने दाएं हाथ का नियम लगाएंगे बच्चों तो अपन मोटर में क्या लगाएंगे बच्चों बाएं हाथ का नियम। अब देखिए बच्चों जनरेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बच्चों वो आपके ध्रुव शुरू करने से समान रूप से नहीं होता है बच्चों। तो दूसरा प्रॉब्लम पास क्या है बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स ध्रुव सिरों के नीचे, ध्रुव सिरों के नीचे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा। अब आप देखिए बच्चों जो आपके अग्रगामी पोल से जो आपके पास पश्चगामी पोल से रहे वहां तो आपके पास फ्लक्स घनत्व ज्यादा हो जाएगा, यानी वहां फ्लक्स आपके पास ज्यादा अधिक हो जाएगा बच्चों। और पश्चगामी पोल सिरे पे अग्रगामी पोल सिरे पे आपका फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा, असमान होगा। जनित्र में पश्चगामी, ट्रेलिंग का मतलब बच्चों पश्चगामी, पश्चगामी पोल सिरे टीपीटी लिख रहा हूं बच्चों मैं, टीपीटी पर फ्लक्स घनत्व अधिक होगा, फ्लक्स घनत्व अधिक होगा, फ्लक्स घनत्व अधिक। अब आप देखें बच्चों जहां जिस सिरे पे फ्लक्स घनत्व आपका अधिक है बच्चों वो सिरे आपके संतृप्त भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये आपका जो पोल सिरे बच्चों वो आपका संतृप्त भी हो सकता है जिसके कारण, जिसके कारण पोल सिरा संतृप्त यानी सेचुरेट भी हो जाता है बच्चों, संतृप्त हो जाता है या हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रभाव के कारण आपके पोल सिरे संतृप्त हो जाते हैं, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण आपके पोल सिरे बच्चों क्या हो जाते हैं संतृप्त हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों जनित्र में आपका जो पश्चगामी पोल सिरे वहां फ्लक्स घनत्व अधिक हो जाएगा या आपका फ्लक्स अधिक हो जाएगा, जबकि पश्चगामी पोल सिरे पे फ्लक्स घनत्व अपने पास क्या हो जो कम हो गया, वह अग्रगामी ध्रुव सिरे यानी एलपीटी पर
फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है, फ्लक्स घनत्व आपका कम हो जाता है। तो अपने पास देखें तो पहला प्रभाव अपने पास आया कि मुख्य फ्लक्स आपका विक्षेपित हुआ, दूसरा प्रभाव अपने पास बचाया कि चुंबकीय फ्लक्स जो आपके पास है बच्चों घनत्व, वो अपने पास क्या पोल सिरों के नीचे असमान हो गया, पश्चगामी पोल सिरे पर अधिक, अग्रगामी पोल सिरे पर क्या हुआ बच्चों कम होगा। अब देखें बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के कारण आपके पास क्या बच्चों लो आनियाँ बढ़ेगी बच्चों। तो आपके पास क्या बच्चों अगर आपके पास तो इसके कारण आपके पास क्या बच्चों लो आनियाँ आपके पास बढ़ेंगी, यानी विक्षेपण प्रभाव के कारण आपकी लो आनियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि आपके पास लो आनियाँ बच्चों समानुपाती होती हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। तो तीसरा प्रभाव देखें बच्चों, तीसरा प्रभाव के पास है बच्चों विक्षेपण प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण लोहानियां, हानियां बढ़ती हैं। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास हानियां बढ़ेंगी बच्चों तो अगर आपके पास हानियां बढ़ेंगी तो आपके यंत्र की या मोटर की या मशीनी की दक्षता आपके पास घटती है, मशीन की दक्षता घटती है, मशीन की दक्षता घटती है। तो एक बार और अपन बात करें बच्चों, देखें विक्षेपण प्रभाव के कारण पहला प्रभाव अनुवास हुआ बच्चों कि फ्लक्स आपका विक्षेपित हुआ, दूसरा प्रभाव अनुवास क्या बच्चों देखें एक सिरे पे आपका फ्लक्स अधिक हुआ, दूसरे सिरे अनुवास क्या बच्चों फ्लक्स घनत्व अनुवास क्या कम होगा, यानी फ्लक्स घनत्व क्या होगा बच्चों असमान होगा। अब अगर अपन बात करें बच्चों जनित्र में तो पश्चगामी पोल सिरे पर फ्लक्स घनत्व अधिक होगा, जिसके कारण आपके पोल सिरे क्या हो सकते हैं जो संतृप्त हो सकते हैं, और अग्रगामी पोल सिरे पर फ्लक्स घनत्व आपके पास क्या होगा बच्चों कम होगा। जैसे फ्लक्स घनत्व आपका चेंज होगा बच्चों या नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपके पास क्या बच्चों लो आनियां बढ़ेंगी, लो आनियां बढ़ेंगी तो आपके पास दक्षता घटेगी। नोट करें बच्चों चारों प्रभाव भी आप, अब देखें बच्चों अब अपने क्या पढ़ा था बच्चों कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, ये जो आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई एफ है वो आपके पास एमएनए से हमेशा 90 डिग्री कोण पर रहना चाहिए। अब देखें बच्चों 90 डिग्री के कोण पर तभी रहता जब आपके पास केवल और केवल आपके पास आर्मेचर फ्लक्स होता। अब आप देखें बच्चों इस केस में आपके पास दो फ्लक्स है बच्चों, एक तो अपने पास फील्ड फ्लक्स हो गया बच्चों, देखिए एक तो अपने पास इस दिशा में पास क्या हो बच्चों फील्ड फ्लक्स हो गया फाई एफ, और दूसरा अपने पास क्या हो बच्चों आर्मेचर फ्लक्स, दूसरा अपने पास हो गया बच्चों आर्मेचर फ्लक्स नीचे की ओर। ये आर्मेचर फ्लक्स आपका बच्चों कहाँ होगा नीचे की ओर होगा, टोटल फ्लक्स आपका आर्मेचर फ्लक्स, और इस केस में इस कंडीशन में पास क्या बच्चों फाई एफ, ठीक है बच्चों। और अपने क्या कहा था बच्चों कि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है या आपका एम एन ए बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स से 90 डिग्री रहना चाहिए, ये आपका एम एन एम पास क्या रहना चाहिए बच्चों 90। अब आप देखिए बच्चों जब दो फ्लक्स आएंगे बच्चों तो अपन इसका परिणामी फ्लक्स निकालेंगे बच्चों, तो परिणामी फ्लक्स देखें किस प्रकार निकालेंगे बच्चों, देखें फेजर से निकालते हैं बच्चों अपन परिणामी फ्लक्स, जब इनका परिणामी फ्लक्स निकालेंगे बच्चों तो रिजल्टेंट फ्लक्स अपने पास क्या है बच्चों फाई आर, ये अपने पास रिजल्टेंट फ्लक्स अपने पास जो है बच्चों वो अपने पास आया फाई आर। अब देखें बच्चों अपने कहा था कि इस फ्लक्स के साथ जो आपका मेन फ्लक्स है उसके साथ 90 डिग्री कोण है, अब ये कोण आपका 90 डिग्री नहीं है बच्चों, ये 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों अधिक हो गया। अब आपका चुंबकीय फ्लक्स हमेशा इस परिणामी फ्लक्स के साथ 90 डिग्री रहना चाहिए बच्चों, तो अब आपका 90 डिग्री रहने के लिए आपका एम एन ए आगे की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, तो जनित्र में ये आपका एम एन ए 90 डिग्री रहने के लिए बच्चों देखें वापस 90 डिग्री रहने के लिए घूर्णन की दिशा में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अपने पास होगा बच्चों न्यू एम एन ए, न्यू एम एन ए, तो ये आपका जो एम एन ए बच्चों थीटा डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका एम एन ए कहाँ चला जाएगा बच्चों आगे की ओर चला जाएगा बच्चों, तो देखिए बच्चों जब रिजल्टेंट फ्लक्स अपन निकालेंगे तो आपका एम एन ए इस प्रकार आगे की ओर आएगा बच्चों, ये आपका एम एन ए
थीटा डिग्री आगे की हो जाए, तो ये अपने पास क्या हो जाए, न्यू एम ए, न्यू एम ए जो ये आपका थीटा डिग्री आगे की हो जाए। ये अपने जनरेटर में बच्चों आगे की ओर होगा, और अगर आपके पास मोटर होगी बच्चों तो मोटर आपकी विपरीत दिशा में घूमेगी, तो आपका एम ए इस साइड में चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण आपका एम ए घूर्णन की दिशा में शिफ्ट हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे आपका एम एन ए शिफ्ट होगा बच्चों, आप देखिए बच्चों, इस केस में जब आपका एम एन ए यहाँ था, जे एन ए शिफ्ट कभी नहीं होता बच्चों, जे एन ए आपके पास यहीं रहेगा, आपका एम एन ए कहाँ चला जाएगा बच्चों, आगे चला जाएगा। अब जैसे बच्चों देखें, ये एम एन ए आपका शिफ्ट होगा बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि चुंबक के जो आपका उदासीन अक्ष बच्चों, उसके कोई भी नीचे चालक नहीं होना चाहिए। परंतु इस केस में जो देखें, आपका एम एन ए यहाँ आ गया बच्चों, ये चालक इसके नीचे की है, तो इन चालकों में जब बच्चों वोल्टेज पैदा होगी, तो वोल्टेज के कारण धारा प्रवाहित होगी, उसके कारण बच्चों क्या होगी बच्चों, स्पार्किंग होगी। तो पांचवा प्रभाव अपने पास क्या है बच्चों, देखें कि आपके जो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण आपका जनित्र में एम एन ए घूर्णन की दिशा में शिफ्ट होगा, और जैसे आपका एम एन ए शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्रश तो आपके यहीं है बच्चों, भी एम एन ए आपका शिफ्ट हो चुका है, ब्रश आपके पास क्या बच्चों, यहीं है, तो जैसे आपके पास एम एन ए शिफ्ट हो जाएगा, आपके ब्रश पर क्या होगा बच्चों, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। तो पांचवा प्रभाव अपने पास देखिए बच्चों, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण डीसी जनित्र में एम एन ए घूर्णन की दिशा में थीटा डिग्री आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। आपका एम एन ए बच्चों शिफ्ट हुआ है, ब्रशेज आपके वहीं रहेंगे बच्चों, शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्रशेज पर स्पार्किंग होने लगती है। जिसके कारण ब्रशेज पे स्पार्किंग होने लगती है, ठीक है बच्चों। और आपके एम एन ए शिफ्ट होने के कारण बच्चों, आपका कम्यूटेशन टाइम है बच्चों, वो भी बढ़ जाता है, उसके कारण भी आपके पास क्या होती है बच्चों, स्पार्किंग होती है। तो पांचवा प्रभाव अपने क्या पड़ा बच्चों, देखें कि डीसी क्षेत्र में चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण आपका एम एन ए क्या हो बच्चों, शिफ्ट हो, और एम एन ए शिफ्ट इसलिए हो बच्चों क्योंकि इसका इस रिजल्टेंट फ्लक्स के साथ कोण कितना डिग्री होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने पास पांच प्रभाव पड़े बच्चों, पहला प्रभाव अपने पास पड़ा बच्चों कि आपका चुंबकीय फ्लक्स विक्षेपित होगा, दूसरा प्रभाव अपने पड़ा कि आपका जो फ्लक्स घनत्व है बच्चों असमान हो जाएगा, और आप बस अग्रगामी पश्चगामी पोजीशन पे फ्लक्स घनत्व अधिक होगा, और पश्चगामी पे अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा बच्चों। अब जहां जब फ्लक्स घनत्व आपका असमान होगा, तो लो आनियां बढ़ेंगी तो आपके पास दक्षता घटेगी। और पांचवा प्रभाव अपने क्या पड़ा बच्चों कि आपका एम एन ए आपके पास क्या हो जाओ, शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपका एम एन ए शिफ्ट होगा बच्चों, ब्रशेज पे आपके पास क्या होगा बच्चों, स्पार्क। एक प्रभाव अपन और बात कर सकते हैं बच्चों, देखें कि अगर आपके पास जहां फ्लक्स घनत्व आपका अधिक होगा बच्चों, उन चालकों में आपके पास वोल्टेज अधिक पैदा होगा बच्चों, और अगर आपके पास वोल्टेज 30 से 40 वोल्ट तक अगर से अधिक पैदा होती है बच्चों, तो आपका जो माइका का जो अवरोधन है बच्चों, वो आपके पास क्या होता है बच्चों, शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका कम्यूटेटर भी अपने पास क्या होता है बच्चों, जिसमें कम्यूटेटर में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पैदा हो जाता है बच्चों। तो ये भी आपका चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के कारण दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये पांच प्रभाव पड़े बच्चों, आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों ये। अब अपन बात करेंगे बच्चों, देखें कि अगर अपन इसमें चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव को नष्ट करना चाहते हैं, तो इसका अपन समाधान क्या करेंगे, निराकरण क्या करेंगे। तो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के निराकरण के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं बच्चों। अब उस पर उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों, तो नोट कर लीजिए बच्चों आप यहां तक। तो अगला टॉपिक अपन बात करें बच्चों, चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव का निराकरण।
चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव का निराकरण। तो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के निराकरण के लिए बच्चों अपन यूज करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपन कहाँ रखेंगे, किस प्रकार अपन लगाएंगे, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए तो अपने क्या देखिए बच्चों, ये आपके पास एन पोल था बच्चों, ये आपके पास एस पोल था। ये अपने पास था बच्चों एम एन, और यहां अपने रखा होता बच्चों एम एन और जी एन। अब देखिए बच्चों, इन चालकों में अपने दाग निशान इस प्रकार के बच्चों क्रॉस, और ये अपने पास क्या बच्चों डॉट। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास जो चालक होंगे बच्चों, ये आपके इंटरपोल क्षेत्र पे हैं। इंटरपोल बच्चा यानी बीच का, पोल के बीच का सिरा। ये जो आपके पास जो तीन चालक हैं बच्चों, एन पोल के नीचे और इसी प्रकार ही आपके पास एस पोल के नीचे, जो आपके पोल फेस के सामने के चालक होते हैं, उनके कारण आपका चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसके इनके चुंबकीय फ्लक्स को नष्ट करना चाहते हैं बच्चों, यानी ये अगर आपके पास आर्मेचर चालकों का चुंबकीय फ्लक्स अगर आप नष्ट हो जाता है बच्चों, तो आपके पास किसी भी प्रकार का चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा बच्चों। तो चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव को नष्ट करने के लिए अपन एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। अब इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करते हैं। तो आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करने पर धारा का मान अपने पास क्या रहेगा बच्चों, समान रहेगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे आपके पास क्रॉस है बच्चों, इसको रखते हैं बच्चों पोल फेसेस में। ये देखिए बच्चों पोल फेस, अगर यहाँ क्रॉस है बच्चों, तो इस चालक में कंपनसेटिंग की जो वाइंडिंग के जो चालक होगा बच्चों, उसमें धारा की दिशा डॉट होगी। यानी अगर यहाँ अंदर की ओर रहता है बच्चों, यहाँ क्या होगी बाहर की ओर। और इसी प्रकार बच्चों देखिए, यहाँ पर रखें इस चालक के सामने, इसमें भी डॉट, और इस चालक के सामने, इसमें अपन क्या रखें बच्चों डॉट। ये मैं बच्चों कंपनसेटिंग वाइंडिंग बना। अब इस साइड में देखें बच्चों, यहां डॉट है तो अपन क्या रखें बच्चों क्रॉस, क्रॉस, और यहां भी अपने पास क्या बच्चों क्रॉस। अब देखें बच्चों, इन चालकों के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स पैदा हो रहा था बच्चों, उसकी दिशा आपके पास क्या थी बच्चों नीचे की ओर। आर्मेचर चालकों के कारण जो फ्लक्स पैदा हो रहा था बच्चों, वो होगी नीचे की ओर। अब इन जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कारण जो चालक पैदा हो बच्चों, उनके कारण जो फ्लक्स पैदा हो बच्चों, मैं फाई सी लिख रहा हूँ बच्चों कंपनसेटिंग का, इसके क्या होगा बच्चों विपरीत होगी बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपके पास धारा अंदर की ओर है बच्चों, तो अंगूठा के ऊपर की ओर होगा, ठीक बच्चों। तो ये दोनों जो फ्लक्स होंगे बच्चों, एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, उदासीन कर देंगे। अब आपके पास बच्चों पोल फेसेस के चालकों के सामने कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो आपका फ्लक्स सीधा सीधा जाएगा बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, इसे संयोजित किस प्रकार करेंगे। तो अपन इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित करेंगे बच्चों। देखिए तो मैंने आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित कर दिया बच्चों, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग है बच्चों, ए वन और ए टू लिख दिया बच्चों मैंने इसको। अब देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ धारा दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित करें बच्चों, तो ये चालक आपका जाएगा बच्चों नीचे से, नीचे से आ रहा है, तो धारा दिशा आपके पास ऊपर की ओर बच्चों। यहाँ से दूसरा चालक बच्चों लूंगा मैं, ये जाएगा ऊपर से, तो यहाँ धारा की दिशा आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों नीचे की ओर। फिर अपने बच्चों यहाँ से चालक निकालेंगे, ये नीचे से आएगा बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास वापस आएगा बच्चों इस प्रकार से, तो धारा दिशा ऊपर की ओर बच्चों। फिर आपके पास ये चालक जाएगा बच्चों देखें, तो अपने पास क्या बच्चों नीचे। तो आर्मेचर के श्रेणी में अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को संयोजित करते हैं। अब देखिए बच्चों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से अपने पास क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग देखिए बच्चों, सबसे पहले पूछा जाता है कि श्रेणी में संयोजित होते हैं आर्मेचर के या समांतर में, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपके आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होगी। अगर आपका आर्मेचर के श्रेणी में जब भी अपन बात करते हैं, तो श्रेणी में धारा का मान समान रहता है बच्चों, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा बच्चों, समान रहेगा। अब आपको प्रवाहित धारा का मान समान रखना बच्चों, तो दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या होगा बच्चों, समान होगा।
आपका चालक जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में विन्यास का हो तो समान हो। आर्मेचर वाइंडिंग आपके जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसे रखा कहाँ जाता है तो पोल फेसेज में, ध्रुव मुख में, ये पोल मुख है बच्चों, तो ध्रुव सिरों में आपके पास रखा जाता है। तो निराकरण के लिए अपन यूज करेंगे बच्चों कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो नोट करेंगे बच्चों, यहां से देखें डीसी मशीन में चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के लिए, विक्षेपण प्रभाव के निराकरण के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। जो भी बड़ी मशीनें होती हैं बच्चों वहां कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपन यूज करते हैं, का उपयोग किया जाता है, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं, जिसकी निम्न, सबसे पहली विशेषता अपने क्या पढ़ा बच्चों, इसे आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित करें बच्चों, इसे आर्मेचर वाइंडिंग के वाइंडिंग की श्रेणी में संयोजित किया जाता है, में संयोजित किया जाता है। दूसरी देखें बच्चों, इसका या चालकों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल आर्मेचर चालकों के समान होता है, आर्मेचर चालकों के समान होता है, आर्मेचर चालकों के समान होता है। ठीक बच्चों, अब इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा आर्मेचर के, आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित दिशा धारा की दिशा क्या होती है बच्चों, विपरीत होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा आर्मेचर वाइंडिंग के विपरीत परंतु धारामान समान होता है, क्योंकि श्रेणी में बच्चों, तो श्रेणी में धारा हमेशा क्या रहती है बच्चों, समान थी। फिर मैंने नोट कर दिया बच्चों आपके लिए, धारामान पर बात कर रहे हैं बच्चों समान। अब अपन इसको संयोजित करेंगे, कहां रखेंगे बच्चों, इसे रखा जाता है पोल फेसेज में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को ध्रुव मुख में रखा जाता है, ध्रुव मुख में रखा जाता है। तो निराकरण किया बच्चों अपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग से। संयोजन में मैंने आपको बताया किस प्रकार बच्चों, देखें यहां से धारा दिशा आपके पास, देखें बच्चों अगर आपके पास बाहर की ओर है बच्चों तो ये आपके पास ऊपर की ओर, यहाँ वापस धारा दिशा आपके अंदर की ओर जाएगी बच्चों, यहाँ से वापस आपके पास क्या बच्चों इस ओर होगी, फिर अपन वापस इसको ले जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर रखें। तो ये अपने पास बताया बच्चों, जो यहाँ जो अपने वाइंडिंग बनाई इसे अपन बोलेंगे बच्चों कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आशा करूँ बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रही है। तो नोट कर लिया बच्चों इसके बारे में अच्छे से आप।
नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करें बच्चों विचुंबकन प्रभाव के कारण के प्रभाव के बारे में। आज अपन सिर्फ इसके बारे में चुंबकीय विक्षेपण प्रभाव के बारे में पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट ट्वेल्व में बच्चों मैं आपको बताऊंगा विचुंबकन प्रभाव के बारे में और उसके निराकरण के उपाय भी अपन पढ़ेंगे बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक आप। पार्ट टेन में बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए, तो मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन में उत्पन्न वोल्टेज आपको दी गई थी बच्चों 400 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध दिया था जो 0.50 ओम, आर्मेचर धारा दी गई थी 80 एम्पीयर, शंट फील्ड प्रतिरोध आरएसएच आपको दिया गया था बच्चों 120 ओम, सीरीज फील्ड प्रतिरोध आरएससी आपको दिया था बच्चों 1 ओम। ज्ञात करना था बच्चों आपको आईएसएच, आईएल और वीटी टर्मिनल वोल्टेज। देखिए बच्चों लॉन्ग शंट आपके पास, शॉर्ट शंट था बच्चों ये जनरेटर आपके पास, तो शॉर्ट शंट में मैं आपको बताया था बच्चों पहले आपको वीएसएच का मान निकालना बच्चों, तो वीएसएच आपके पास क्या था बच्चों यहाँ पे एजी माइनस आईए आरए, तो वीएसएच कैलकुलेट करें बच्चों। देखें एजी का मान आपको 400 दिया बच्चों, 0.50 गुणा में 80 गुणा में 0.50 पॉइंट टाइम बच्चों क्या लगा देंगे 100, 1/2 पे चला जाएगा बच्चों, तो वी एस एच का मान आपको प्राप्त होगा बच्चों 400 - 40 360 वी एस एच आपके पास आ चुका है बच्चों। आप आई एस एच कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, तो आई एस एच बराबर अपने पास क्या बच्चों वी एस एच बटा में आर एस एच 360 डिवाइड बाई 120, तो शंट फील्ड धारा अपने पास कितने आए बच्चों 3 एम्पीयर अपने पास आए बच्चों। हाँ देखिए बच्चों शंट फील्ड धारा प्राप्त कर चुके हैं बच्चों, तो लोड धारा आई एल बराबर पास क्या बच्चों आई ए माइनस आई एस एच, तो आई एल बराबर पास क्या बच्चों 80 - 3 77 एम्पीयर। अब आपको याद करना है बच्चों वी टी, तो वी टी के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों वी टी बराबर क्या हुआ ई जी माइनस आई ए आर ए और माइनस आई एल आर एस सी, पुट कर दीजिए बच्चों 400 माइनस ये अपन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखें 80 गुणा में 1/2 माइनस 77 गुणा में 1, तो वी टी बराबर बच्चों देखें 400 - 40 - 77 तो अपने पास बच्चों देखें 100 ये अपने पास हो गया 117, 400 में से 117 घटाएंगे तो वी टी आपको प्राप्त होगा 283 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन बच्चों आप जरूर करें और ये मत सोचें कि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बच्चों, निम्बी में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं और बच्चों पूछे भी गए हैं डीएमआरसी वगैरह पेपर में, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन जरूर करें, करने के बाद रिप्लाई करें बच्चों जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपन विचुंबकन प्रभाव के बारे में।